दशहरा एक ऐसा त्यौहार जिसे पूरे भारत में बुराई की अच्छाई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। दशहरा अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ निभा रहे थे। इसी बीच रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। माता सीता को लंका से लाने के लिए श्री राम जी ने रावण के साथ युद्ध किया। विजयदशमी के दिन ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था। रावण के 10 सिरों का वध श्री राम जी ने इसी दिन किया था, इसलिए इसे दशहरा के नाम से जाना जाता है। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण जी ने श्री राम जी का साथ दिया था। रावण जो कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी रावण द्वारा की गई है। रावण सभी वेदों का ज्ञानी था और महापंडित भी कहा जाता था उन्हें। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी रावण को उसकी बुराइयों ने तबाह किया। रावण पर श्री राम जी की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। दशहरा के दिन भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जहां श्री राम जी के जीवन को दिखाया जाता है। आप भी कीजिए रामलीला के कुछ हिस्सों के दर्शन। लक्ष्मण मूर्छा का समय सालन बेनती है।
लक्ष्मण मूर्छा के समय कोई भी साडा जी बार बार अनाउंस कर रहे हैं, सारे पीछे हो जाओ, साडे एजुकेटर जी सारे पीछे हो जाओ, सारे बेनती है जी सारे साडे आज पीछे दलजीत राजू जी दरवेश पिंड अपनी पूरी टीम लैके पहुंचे ने बाबा गजिया की शहरा कमेटी वालों इन्हों का निघा स्वागत है। लक्ष्मण मूर्छा और पवन पुत्र हनुमान जी लक्ष्मण जी की मदद करवाते पहुंच चुके हैं। पवन पुत्र हनुमान के रोल भोला भाजी हरजी जी की बड़ी मेहनत सदगा इतने सानू परमिशन लेके दी गई है जी दशहरा कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार अपने वीरां नूं बेनती करदा कि राशना ज्यादा स्टेज ते पाओ, स्टेज हिल रही है यार। बुगे भाजी बहुत बड़ी बेनती कर चुके हैं कि प्लीज स्टेज ते आ जाओ, भाई मेरा आ जाओ, पता हो गया कुर्सियां ते बैठ के आ जाओ, इधरों करो यार साहब आओ प्लीज आओ थले पहुंच चुके ने वैद लेके लक्ष्मण जी दे कोल पहुंच चुके ने। हनुमान संजीवनी बूटी लैन के लिए जा रहे ने ते वैद जी ने कहा कि संजीवनी बूटी ते जिहड़ी उह पर्वत दे उत्ते है उह लैन जा रहे ने ते उत्पाद जिहड़ा दशहरे दा मंचन है अगे ढोल आ जाओ ढोली माटर ढोल माटर आ जाओ जल्दी जल्दी ढोली कह भी बसरा जी ढोली आ जाओ भी आ जाओ ढोली बहुत बहुत स्वागत है जी गोरी यूके सदै बिच पहुंचे ने हनुमानगढ़ी दशहरा कमेटी के प्रधान प्रोफेशनल बॉडी से एक थोड़ा वॉल्यूम बेस करके अप कर दो मेरा हेलो मेरे बाद माइक थोड़ा अप कर दो लो जी आज दशहरे जरा अपने लावट प्रॉब्लम वाले जोते वो कीता जा रहे हैं रावण अमरिंदर जी मनप्रीत जी अपनी टीम समेत पहुंचे ने इतने साढ़े 24 तो मंत्री जी नाल ने अपनी पूरी टीम में पहुंचे ने जीत राजू जी नूं अरजी मां जी नूं रामलीला के अंत में रावण के पुतलों को अग्नि लगाकर उनका दहन किया जाता है। यही जगह पर रावण के साथ साथ उनके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।